हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लद्दाख डायरीज। मेरे 6 नाइट 7 डेज का मेक माय ट्रिप पैकेज ऑफ ले लद्दाख इज गोइंग मोर देन परफेक्ट। अभी तक आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा द ब्यूटीफुल ले सिटी एंड इट्स फेमस प्लेसेस, फिर आपने देखा खरदुंगला पास और नुब्रा वैली का खूबसूरत सफर। अब आपको ले चलती हूँ टू आर नेक्स्ट एंड लास्ट लद्दाख डेस्टिनेशन, द वेरी फेमस पेंगोंग लेक, ऑल्सो नोन एज द पेंगोंग सो। पेंगोंग का सफर हमने शुरू किया अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि पेंगोंग का रास्ता काफी एडवेंचरस है। यहाँ दिन के टाइम धूप में ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जिसके वजह से नदियों का बहाव तेज हो जाता है और गाड़ियों के फंसने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए नुब्रा टू पेंगोंग का सफर अर्ली इन द मॉर्निंग ही बेटर होता है। पेंगोंग जाते समय ये है द शाहरुख खान शूटिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग हुई थी जब तक है जान की। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। सो गाइस, ये है बाइक जब तक है जान की शूटिंग में जो यूज किया था अनुष्का शर्मा एंड शाहरुख खान ने। सो ये बाइक यहीं पे छोड़ के गए हैं एंड नाउ दिस इज अ सिंबल, इवन द जैकेट ऑल्सो, दैट्स सो कूल। आप फोटो भी देख सकते हैं, दैट इज क्वाइट यूनिक कॉन्सेप्ट। और इस चीज़ के लिए लोग काफ़ी यहाँ पे आते हैं, दे स्टॉप, दे क्लिक पिक्चर्स, दे हैव अ लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट और आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद और ये वादियों का नज़ारा लेने के बाद हम चलते हैं टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन विच इज पेंगोंग। My journey was full of adventure with huge rocky mountains, snow-peaked glaciers, gushing rivers and heart-throbbing experience while crossing the river. लेकिन चारों तरफ सुंदरता की कोई कमी नहीं और इसी सुंदर नजारों को देखते देखते 4-5 घंटों में हम पहुंच गए द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट फेमस पेंगोंग वैली। In Ladakh, you never know what's there for you as a surprise. Nature has so much in store for each one of us. Aur aise hi ek ye khoobsurat jagah hai called the Pangong Lake. So guys, chalo chalte hain aur kareeb se dekhte hain this beautiful Pangong So. Now So means lake in the local language. तो चलो गाइस टुवर्ड्स द मेन अट्रैक्शन ऑफ पेंगोंग लेक, जहाँ द फेमस 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी। और यहाँ आते आते मुझे तो हो गई ऑक्सीजन इश्यू, बट थैंक गॉड आई वाज कैरिंग एन ऑक्सीजन सिलेंडर। आज शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे पेंगोंग वैली की खूबसूरती बयान करने के लिए। आई जस्ट कुडंट बिलीव माई आईज कि कोई प्लेस इतना खूबसूरत भी हो सकता है। ये वही फेमस 3 इडियट्स मूवी का क्लाइमैक्स शूटिंग पॉइंट है और यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि लद्दाख, स्पेशली पेंगोंग वैली में 2009 3 इडियट्स मूवी के बाद ही टूरिस्ट ने आना शुरू किया। उससे पहले इतना टूरिस्ट अट्रैक्शन कभी नहीं था। आज ये प्लेस एक टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट बन चुका है। यहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं हॉर्स एंड याक राइडिंग और 3 इडियट्स के सारे फेमस प्रॉप्स के साथ फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, स्पेशली करीना कपूर पिया के क्लाइमेक्स सीन वाले आउटफिट एंड स्कूटर वॉज द बेस्ट।
तो गाइस ये है आउटफिट और ये है पीला स्कूटर थ्री इडियट्स के पूरे जर्नी के थ्रू में जो लास्ट आप सीन देखते हैं, दिस इज द एंटायर कॉस्ट्यूम ऑफ पिया। और आज मैं बन रही हूं पिया बट अ लिटिल फोटो शूट। आई इवन वोर दिस कलरफुल लद्दाखी ड्रेस, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। कहते हैं कि ये ड्रेस सिर्फ लद्दाखी मैरिड लेडीज ही पहनती हैं। एंड दिस हेड पीस वॉज एक्सट्रीमली हैवी, थोड़ी देर और पहनती तो शायद हेडेक हो जाता, बट मजा बहुत आया। पैंगोंग लेक दुनिया का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, लेकिन क्या आप जानते हैं पैंगोंग लेक का 50% तिब्बत के पास है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चाइना, और इस लेक का 40% लद्दाख इंडिया में है, एंड 10% ऑफ दिस लेक कम्स अंडर द बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पैंगोंग लेक वैसे तो बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है इस लेक का नीला कलर। ऐसा लगता है जैसे ब्लू डाई में कलर किया हो। इसका भी रीजन है, ओशन सॉल्ट्स रॉक से ओरिजिनेट होते हैं एंड पैंगोंग लेक हैज नो ड्रेनेज रिवर्स टू द ओशन, और यही रीजन है इस लेक का सॉल्टी और ब्लू होने का कारण। So guys, this is the cottage which you get from MMT, जो हमने बुकिंग किया था, एंड दिस इज क्वाइट क्यूट। और ये कॉटेज मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। द बेस्ट पार्ट इज लाइक इसके सामने जो व्यू है दैट इज अनमैचेबल, इट्स सो ब्यूटिफुल। पहले आप आ जाओ अंदर, आपको कॉटेज दिखाती हूँ। कॉटेज तो बहुत ही क्यूट है, इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी। सारी चीजें दे रखी है यहाँ पे, एंड वॉशरूम भी है इस साइड पे। द ओनली थिंग इज लाइक कि गर्म पानी नहीं आता है, गर्म पानी ये लाके हमें देते हैं, बट लाइट इज 24/7 और सब कुछ दे रखा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है फिलहाल तो। So guys, this is the dining hall और यहाँ पे आके हम लोग करते हैं lunch, breakfast and dinner. This is quite cute, छोटा सा है but it's very nice. Food is simple but बहुत अच्छा खाना था यहाँ का। So हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें enjoy किया, like the very very tasty food जो घर के खाने की तरह था, and it was so amazing. और सबसे best है यहाँ से खाते हुए आप view देख सकते हैं। तो ये है भैया हमारे जिन्होंने हमारा पूरा अच्छे से देखभाल किया, अच्छे से खाना खिलाया, सो थैंक यू सो मच भैया। चलो फिर मुलाकात होगी। पैंगोंग लेक का सफर यही खत्म होता है, लेकिन हम यहाँ से ले जा रहे हैं बहुत सारी खूबसूरती और बहुत सारी यादें। लेकिन अब हम चलते हैं लेक की तरफ, क्योंकि MMT का हमारा ये 6 days का ट्रिप खत्म होता है, और ले जाते समय एक पड़ता है जगह जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसका ऑल्टीट्यूड काफी हाई है, तो मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही है कि शायद मुझे ऑक्सीजन और चाहिए होगा, लेकिन आपको ये जगह दिखाती हूँ, तो चलो मेरे साथ। हिमालयन मार्मोट, और यहाँ की लोकल भाषा में इसको प्या भी बोलते हैं। सो ये बहुत क्यूट होते हैं, और ये वाइल्ड होने के बावजूद भी काफ़ी टेम है, और आपको ये यहाँ पे ही मिलेगा, दैट इज इन लद्दाख। तो गाइस ये है चंगना पास का रास्ता, और बहुत थ्रिलिंग है, और आप देख सकते हैं अभी से ही स्नो दिखना शुरू हो गया है। ये पूरा जमा हुआ स्नो है, बट बहुत ठंड है यहाँ पे। तो आई गेस इतनी सी जैकेट में मेरा काम नहीं चल रहा है, मोटी सी जैकेट मुझे निकालनी पड़ेगी। बट जस्ट लुक एट द व्यू गाइस,
सो ब्यूटीफुल। ओह माय गॉश, मैं जा रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है। चंगला पास में और आप देख ही सकते हैं कि कितनी ठंडक है यहाँ पे। कहने को तो है ये जुलाई, लेकिन अभी है 13 डिग्रीज। तो आप देख सकते हैं ये व्यू, इतना अमेजिंग व्यू है। और गाइस ये है 17,500 एल्टीट्यूड के ऊपर। तो गाइस आपको पता है चंगला पास क्यों फेमस है? इसलिए क्योंकि चंगला पास जो है इज द सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड दिस इज द थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास इन द वर्ल्ड। है ना अमेजिंग? जरूर आना इसको देखने के लिए। तो गाइस चंगला पास में कुछ यादगार पल बिता के हम निकल पड़े लेह की तरफ। गाइस हमारा पेंगोंग के सफर के साथ साथ लेह लद्दाख का सफर भी यहीं खत्म होता है। दिस जर्नी वॉज अमेजिंग। मैंने MMT से बुकिंग किया था एंड दिस 6 डेज वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इतना अमेजिंग जगह देखा है हमने और इतने ज्यादा चीजें एक्सप्लोर किया है। इतना ही बताना चाहूंगी कि MMT बुकिंग इज अ गुड चॉइस फॉर दोज पीपल हु डू नॉट नो वेयर टू एक्सप्लोर एंड हाउ टू एक्सप्लोर, बिकॉज ये हर चीज आपको एक पैकेज बना के देते हैं एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेट फॉर यू। सो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, whether I'll be wrong or right, so that's a good option। लेकिन इतना ही बोलूंगी कि ले लद्दाख में जो ये पूरा जर्नी है ये आप सिर्फ 6 डेज में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 15-20 डेज टू सी दिस एंटायर ब्यूटिफुल ले लद्दाख एंड दिस जर्नी वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। दिस प्लेस इज फॉर पीपल हु आर एडवेंचरस, सो इफ यू आर एडवेंचरस डू मेक योर जर्नी ओवर हियर टू लद्दाख। तो गाइस मेरा लेह लद्दाख का सफर यहीं खत्म होता है और अगर आपने मेरे बाकी के 2 व्लॉग्स मिस कर दिए हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड चेक दिस आउट। बाकी क्या ही बोलूं, इफ दिस प्लेस इज अमेजिंग। एंड बस इतना ही कहूंगी कि आई विल सी यू विद द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। टिल देन गुड बाय।